असलम अगैन तो जनाब हमारा ये एस एल बेसिक का ऑर्डर दो चीज़ें ऑर्डर की थी आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं दूसरी वीडियो में हमने एस एल बेसिक से दो चीज़ें ऑर्डर की थी एक थी हमारी ज़ैफरान ज़ाफरान ग्लू क्रीम और एक है हमारा जी बॉडी बटर दिस इज़ द बॉडी बटर ऑफ ई स्ट्रॉबरी सी वन फिफ्टी ग्राम दिस बॉटल इज़ अ बिक ऑफ दिस साइज़ The size is really good. I liked it. Thank you for the size and the packing. Soji. This is I think glass bottle. No, this is plastic bottle. That's good. Uh child safe. Hai because you plastic. Hai. Oh my god. That's plastic. And steel cap. So good is this smell? Let me open the cap, please. If I can do this work from one hand. No, I can't. I have to stop the camera। तो जनाब हमने इसको कर दिया है लिट को उतार दिया ये इसकी पैकेज थी मैं खोल चुकी हूँ ये वैसे सील थी ये इसलिए ऐसे उतर रही है बाद में कोई गलत ना ले ले इसको सील तो लगी हुई ही नहीं थी जी नहीं प्रॉपर सील थी मैंने खींच के उतारी है क्योंकि मैं ये एक हाथ से नहीं उतार पाती दिस वॉज़ ऑन इट्स दिस uh, एरिया <laughs> और ये है जी स्ट्रॉबेरी बॉरी बाटा स्मेल्स स्मेल्स लाइक आइसक्रीम एक्चुअली जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होती है दैट स्मेल्स लाइक दैट दिस इज ऑल्सो मूस टाइप इफ यू कैन सी मैंने थोड़ा तो सा पिंच किया ये लिक्विड नहीं है बट इट्स लाइक अमूज़ जैसे uh, क्रीम होती है बीटन क्रीम होती है हमारे पास वाओ सी इट्स अ प्रॉपर बटर फॉर्म एक्चुअली बटर अच्छा ग्लो क्रीम की भी यही कंसिस्टेंसी uh, थी और इसकी भी यही वाओ इफ आई कैन कवर दैट ड्राई एरिया ऑफ माय स्किन जज माय हैंड्स इट्स विंटर और कराची के विंटर के बारे में तो सभी को पता है प्रोडक्ट्स अभी आए हैं भाई तो अब लगाएंगे अब इससे पहले तक हमारे एक्चुअली में स्टफ़ खत्म हो गया था तो स्किन वॉज गोइंग सो मच ड्राई देन आई आई थिंक ऑफ ट्राइंग शाइस्ता लोधी दिस टाइम तो मैंने एस एल लोधी का ऑर्डर कर दिया एंड वाओ अच्छा ये थोड़ा सा कंटिस्टेंसी के बारे में तो मैं नहीं कहूँगी कंटिस्टेंसी तो उसकी बहुत मूस केक की तरह की मूस की तरह की थोड़े थिक है और मुझे नहीं पता इसको लोकल लैंग्वेज में या कॉस्मेटिक लैंग्वेज में कौन सी कंटिस्टेंसी कहते हैं बिकॉज आई एम नॉट दैट प्रो बट इट्स गुड और ये जो है ना थोड़ा सा वट वी से जैसे हम फेर एन लगाते थे एक ज़माने में इफ़ आई इफ कैन टेक इट लाइक दैट तो हम जैसे फेर एंड लगाते थे तो फेस पे एक अजीब सा अजीब सा तो नहीं कह सकते उसको एक कवर सा लगता था ना आपको इट्स लाइक दैट कि मेरी बॉडी को कवर कर लेगा मतलब ये स्किन को कवर कर लेगा नॉट बॉडी सॉरी मतलब थोड़ा सा ऐसा लेयर की तरह का ना थोड़ा सा कुछ फ़ील हो रहा है कि ये लेयर लग गई है सी हाउ शाइनी नाउ दे आर या मी आइसक्रीम दिस फ्लेवर इज़ आइसक्रीम एक्चुअली और सर्दी में हमारा आइसक्रीम खाने को दिल जा रहा है क्योंकि इसकी स्मेल बता रही है कि भैया हमें आइसक्रीम खानी चाहिए <laughs> लेकिन ये आइसक्रीम नहीं है सो so प्लीज़ इसको बच्चों की पहुँच से दूर रखिएगा वरना बच्चे वाकई इसको आइसक्रीम समझ के खा लेंगे इसकी बॉटल खुलती इतनी स्मेल हो गई है रूम में जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की होती है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ टू गुड एंड सर्दियों में ऐसे स्मेल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी हमें अच्छी भी लगती हैं एलमंड की स्ट्रॉबेरी की इसकी स्मेल बहुत अच्छी है ग्लो क्रीम में इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं थी बहुत माइल्ड थी बिकॉज दैट इज़ फॉर फेस एंड यही बात होती है जो मेरे ख्याल में स्किन स्पेशलिस्ट को ज़्यादा बेहतर पता होती है हमसे कि उन्होंने फेस के लिए जो क्रीम बनाई है उसमें बहुत माइल्ड स्मेल है लेकिन जो बॉडी के लिए बनाई है उसमें थोड़ी सी स्मेल है ताकि आप फ्रेश फील कर सकें जाहिर सी बात है बॉडी बेटर है तो आप बॉडी पे ही लगाएंगे हैंड्स <laughs> पे बॉडी पे अपने लगाएंगे फेस पे नहीं लगाएंगे इसको क्योंकि बॉडी के लिए है और प्लीज़ ऐसी बेवकूफियां ना किया करें जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी होती है उसी के लिए लगाया करें हैंड क्रीम आती हैं बॉडी बटर लगाते हैं फेस क्रीम्स लगाती हैं तो मैंने बहुत सी खवातन को हमारे यहाँ देसी जो पुरानी जमाने की खातें होती हैं पुरानी तो नहीं होंगी आजकल की लड़कियाँ भी ऐसी हरकतें कर रही होती हैं मोस्टली हाँ आप जो हम कह सकते हैं कि टू थाउजेंड सेंचरीज़ की जो लड़कियाँ हैं उनमें थोड़ी अकल है लेकिन नाइन्टीज़ में तो लड़कियाँ एक ही लोशन लेती थी और वही आप हर जगह लगा लेते थे तो बॉडी लोशन्स अलग होते हैं प्लीज़ बॉडी uh, बटर्स अलग होते हैं और स्किन uh, की केयर के लिए चीज़ें अलग होती हैं अगर आपको कोई और क्रीम लगाना पसंद नहीं है तो एटलीस्ट कोई एक अदद आप सन ब्लॉक लेके अपने फेस पे लगाएं लेकिन प्लीज़ जो चीज़ें बॉडी के लिए बनी होती हैं जैसे ये बॉडी बटर हो गया निविया का लोशन हो गया वैजिलीन हो गया ये सब आपके फेस के लिए नहीं बना हुआ ठीक है सो फेस इज़ डिफ़रेंट फ्रॉम योर बॉडी फेस एंड नेक बोथ आप अगर ये वाली क्रीम्स भी लगाते हैं लेट्स से ये मेरी लास्ट वीडियो में मैंने अभी शो ही की थी आ, बताना भूल गई हूँ तो चलें इस वीडियो में कवर कर लेते हैं नो टेंशन no <laughs> चैनल अपना ही है तो इस वाली क्रीम्स ये वाली जो क्रीम्स होती हैं ना ये आप सिर्फ अपने फेस को कवर नहीं करते हैं ये आप अपनी नेक टू फेस जाते हैं क्योंकि ये एक ही टोन होती है इनकी स्किन सेम होती है नेक की और फेस की तो ये चीज़ें थोड़ा सा नोटिस किया करें और इन चीज़ों की वजह से ही आजकल की लड़कियाँ जो हैं वो एजिंग कर रही हैं क्योंकि वो या तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं या फिर जो है वो बहुत ही आ, वो क्या कहते हैं गए गुजरे लोग हैं जो उनको ना सनब्लॉक चाहिए ना क्रीम चाहिए ना कुछ चाहिए भाई आर स्किन नीड दैट क्योंकि एटमॉस्फेयर और ये सब चीज़ें हमारे पे बहुत असर डालती हैं और हमारी स्किन ख़राब होती है पहले ज़माने में इतनी नहीं होती थी क्योंकि पहले ज़माने में पोल्यूशन नहीं होती थी पहले ज़माने में इतना ज़्यादा जंक फूड नहीं होता था पहले ज़माने में इतनी ज़्यादा हमारे पास वैराइटीज़ नहीं होती थी खाने पीने में बट अब चूंकि वैराइटीज़ ज़्यादा हैं होटलिंग ज़्यादा है, है uh, घर में भी लोग जो हैं वो uh, जो होटल नहीं भी जाते लेट्स से फ्लेवर्स हर किसी को चाहिए और दिस इज़ व्हाट वी आर कॉल्ड प्राउडली पाकिस्तानी आई सॉ दिस राइट नाउ ऑन द पैकेज दैट्स टू गर्ल्ड प्राउडली पाकिस्तानी वी आर पाकिस्तानी एंड वी लव पाकिस्तान बट द थिंक इसके पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स बहुत कम हैं मैं ख़ुद लॉरियल का कर यूज़ करती हूँ मेरे से पहले भी चैनल्स पे वीडियो हैं और अभी भी uh, मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ बट नाउ आई विल ट्राई दिस एज़ वेल एंड दिस इज़ माई फेवरेट गोइंग टू बी राइट नाउ बिकॉज मैं बॉडी बटर्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और uh, मैं जो हूँ वो बाहर से ऑर्डर करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में बॉडी बटर्स किसी भी ब्रांड में मुझे आज तक नज़र नहीं आए हैं आई एम थर्टी फाइफ राइट नाउ एंड आई एम सॉ seen the body butter from Pakistani brand right now but now I am having this one in my hand and uh, this one is going to be my favorite from now on inshallah proudly Pakistani so <laughs> we will proudly use these things as well because someone is actually putting efforts तो उसको सपोर्ट करना चाहिए and uh, I know लोग कहते हैं बहुत सी बातें बताते हैं कि आप लोग जो हो वो ये हो ये हो ये हो लेकिन I think शहजादी होती है इस डूइंग वेरी बेल एक्चुअली अगर आप उनका चैनल वगैरह सर्च करें दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन वीडियो लेट मी एक्सप्लेन बट आई एम अ फैन ऑफ हर आई विल से यार वुमेंस को अगर कोई इतना अच्छा गाइड कर सकता है स्किन केयर की तरफ तो शी इज़ द वन जो ये कर सकती हैं और कर रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रही हैं ऑल पैसे तो डेफिनेटली शी हैव इस टेडिट तो वो लेंगी आज जब उनकी क्लिनिक पे जाएंगे आ, या आपको ज़्यादा ही एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे तो गूगल करने से तो बेहतर है कि आप किसी के एक्सपर्ट ओपिनियन लेके अपनी स्किन को दिखाएं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक्नी होती है जिनको बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं तो प्लीज़ किसी प्रॉपर डर्माटॉलोलॉजिस्ट के पास जाएँ अपनी स्किन दिखाएँ इधर उधर के लोगों की बातों में सुन के टोटकियाँ नहीं आजमाएँ क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें भी ऑर्गेनिक नहीं हैं तो बी केयरफुल अबाउट दैट चलें जी वीडियो इज़ टू लॉन्ग ना हो अला हाफ